नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बजरंगी भाईजान और बाहुबली द बिगनिंग फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं बाहुबली फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बाहुबली सन 2015 में आई एक इपिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में प्रभास, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, रम्या कृष्णन, सत्यराज, राणा डग्गुबती, नसर, रोहिणी और तनी किल्ला भेरानी नजर आए थे। इस फिल्म को SS राजामौली ने डायरेक्ट किया था। ऐसे प्रोड्यूस किया था प्रसाद देवीने ने और शोभू ने, और इस फिल्म की कहानी लिखी थी KV विजेंद्र प्रसाद ने। और इस फिल्म को 4000 स्क्रीन के साथ दुनिया भर में 10 जुलाई सन 2015 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 180 करोड़ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 120 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो तेलुगु, तमिल और मलयालम वर्जन मिलाकर इस फिल्म ने 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो वहीं इस फिल्म ने सभी वर्जन को मिलाकर इंडिया में टोटल 420 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो सभी वर्जन को मिलाकर 42 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 44 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो सभी वर्जन को मिलाकर 185 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 650 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.1 रेटिंग मिले। ये फिल्म बॉलीवुड की उस साल की 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी, तो टॉलीवुड की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक MM कीरावानी ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए SS राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर का और रम्या कृष्णन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर और बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का नेशनल अवार्ड भी मिला था। साथ ही इस फिल्म ने कई नंदी अवार्ड्स, सिनेमा अवार्ड्स और साउथ इंडियन इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली ने इस फिल्म में कैमियो रोल किया था। मनोहरी वाले गाने से पहले के सीन में वे नजर आते हैं। नंबर 2, इस फिल्म में जो वाटरफॉल सीन था उस जगह की शूटिंग केरला के अथीरापल्ली वाटरफॉल में किया गया था, पर बाद में इसे VFX की मदद से और भी ऊंचा कर दिया गया था। नंबर 3, इस फिल्म में कालकीय जो भाषा बोलता है उस भाषा को मदन कार्के ने बनाया था और इस भाषा का नाम उन्होंने किली किली दिया था। नंबर 4, इस फिल्म के भव्य सेट को तैयार करने में 200 दिन का समय लगा था और इस सेट को तैयार करने के लिए हर रोज 1000 लोग मेहनत करते थे। नंबर 5, इस फिल्म को बनने में 3 साल का समय लगा था। नंबर 6, इस फिल्म के लिए राणा डग्गुबत्ती ने 33 किलो का वजन बढ़ाया था। नंबर 7, इस फिल्म के VFX में ही 85 करोड़ खर्च हुए थे। अब जानते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बजरंगी भाईजान सन 2015 में आई एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर, हर्षाली मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शरद सक्सेना, अलका कौशल, मेहर विज और ओमपुरी नजर आए थे। इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। ऐसे प्रोड्यूस किया था सलमान खान और कबीर खान ने, और इस फिल्म की कहानी लिखी थी KV विजेंद्र प्रसाद ने। और इस फिल्म को 4100 स्क्रीन्स के साथ 17 जुलाई सन 2015 को रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 90 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 321 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 28 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 185 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 922 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जिसमें चाइना के कलेक्शन भी शामिल है, और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 8 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अगर बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक प्रीतम ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड मिला था। तो इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म में पहले ऋतिक रोशन लीड रोल में दिखने वाले थे और इस फिल्म को राकेश रोशन डायरेक्ट करने वाले थे, पर इस फिल्म के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, पर राकेश रोशन ने इसके लिए मना कर दिया था। फिर बाद में ये रोल सलमान खान ने निभाया था। नंबर 2, बजरंगी भाईजान और बाहुबली इन दोनों की कहानी को KV विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी
और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 3, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहले चांद नवाब का रोल इमरान हाशमी को ऑफर हुआ था, पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि उनका ये रोल छोटा सा था। नंबर 4, तेरे नाम के बाद सलमान खान ने इस फिल्म में अपने करियर की दूसरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, पर अफसोस इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं दिया गया था। नंबर 5, इस फिल्म के चाइनीज वर्जन को 140 मिनट तक कट करके रिलीज किया गया था। नंबर 6, हर्षाली मल्होत्रा को पहले प्रेम रतन धन पायो के लिए साइन किया गया था और फिर बाद में उन्हें बजरंगी भाईजान के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया था, पर हर्षाली की मां चाहती थी कि उनकी बेटी प्रेम रतन धन पायो में नहीं बल्कि बजरंगी भाईजान में काम करे। फिर उन्होंने ये बात सलमान खान को बताई थी और सलमान ने फिर सूरज बरजातिया से बात करके सारे सिचुएशन को ठीक किया था। नंबर 7, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के चांद नवाब का जो कैरेक्टर था वो सच के एक पाकिस्तानी रिपोर्टर से इंस्पायर्ड था। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।